हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के साथ 7:30 और मेरी मम्मी सुबह 4 बजे से उठ के मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा उठने का मन नहीं था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और इन सब लोगों ने नहा भी लिया, नाश्ता भी बना लिया, पूजा भी कर ली और स्कूटी तैयार भी हो गए और मैं स्टिल घर के अंदर हूँ। बड़ा मुझे उठना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है, मैंने डंडे पड़ेंगे और नहाने जाना पड़ेगा। तो गाइस ठीक है, नहा के आती हूँ फिर मिलती हूँ आगे के व्लॉग में, बाय। सो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है और सबको मैं नाश्ता कर लिया क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और लोग इतना नहीं रुक सकते क्योंकि उनको अभी एक फिक्स टाइम है नाश्ता करने का। तो आप देख सकते हो मयंक, मैं वैसे जल्दी नहा के आ गई हूँ, दिखा दो आप। मयंक खाती तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए और ये जा रहे हैं स्कूल को मयंक, और ये दिन भर में शायद 100 बार अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में। शक्ल देखना जरूरी है। मैं इसको बाय बाय बोल के आती हूँ, बाय। गाइस आप देख सकते हो मयंक खाती जा रहे हैं स्कूल को, उसके दोस्त आ रहे हैं और स्कूल है ये सामने बिल्कुल दिख रही है, यहाँ पे स्कूल है, हमारा स्कूल इतने पास है। ये बच्चे आ रहे हैं मॉर्निंग में, देखो सुबह सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत है, सारे बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं इनको देख के। हेलो गाइस, तो मैं अभी आई हूँ अपने छत पे सारे कपड़े सुखाने के लिए और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और यहाँ का नज़ारा देखिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे स्कूल को जा रहे हैं और इन बच्चों को देख के ना मतलब अपने स्कूल की याद आ रही है कि मतलब हम भी ऐसे स्कूल जाते थे सुबह सुबह टाइम से उठ के। और ये मेरा स्कूल कितना पास है आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं आज दिन भर क्या करते हैं देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है, ऐसा फिलहाल कुछ सोचा नहीं है। अब स्पेशल तो तभी होगा जब मयंक खाती घर आएगा क्योंकि जैसे कि आपने देखा वो हमारे घर का एक ऐसा एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट है जिसके बगैर सुना सुना लगता है। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, मानती भी थोड़ी देर में कॉलेज को चली जाएगी, फिर बचे मम्मी और मैं, तो देखते हैं क्या करते हैं आज दिन भर। ओके गाइस मिलते हैं आगे के व्लॉग में। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 11:10 सुबह के और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी ने मेरे लिए अभी तक घुघुते बचा के रखे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के। और देखो कितनी अच्छी मेरी मम्मी मेरे लिए अभी तक संभाल के रखे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हमारे वहाँ ये घुघुते बनते हैं। आप में से जो भी कुमाऊनी होगा उन लोगों को पता होगा घुघुते का त्यौहार होता है हम लोगों के वहाँ। और एक और सरप्राइज़ है जो कि आपको पता चलेगा मेरे आगे के व्लॉग देखने में, और आज मुझे वापस जाना होगा तो मैं वही पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कल ही तो मैं आई थी और आज वापस जा रही हूँ, हाँ मजबूरियाँ, बट आपको देख आगे के व्लॉग में बने रहो तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। ओके गाइस मिलते हैं आगे के व्लॉग में, बाय। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ आप देख सकते हो और हम निकलते हैं थोड़ी देर पे आगे की ओर, तो जानने के लिए बने रहे व्लॉग में। ओके गाइस मिलते हैं आगे की वीडियो में। हेलो गाइस, बज रहे हैं 2:30 और ये मेरी सिस्टर है आप देख सकते हो जो मुझे मेरे स्टॉप पर छोड़ना है। ये मेरा स्टॉप बस पास में ही है, बस साथ के लिए ये मेरा स्टॉप है और ये बैग इसी के कंधों में, हाँ बैग मैंने ही टांगा है, ये खाली साथ के लिए आई है क्योंकि मम्मी ने बोला इसको लेके जा अकेले मत जा, ये तो मुझे यहाँ तक छोड़ना ही है स्टॉप तक। तो गाइस मैं बताती हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। और आज ना बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है मयंक खाती के लिए क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी चली जाऊँगी, तो वो स्कूल से आते ही ना मुझे ढूंढेगा पक्का। और सच में ये सब बहुत ज़्यादा उसके लिए सरप्राइजिंग होगा कि कहाँ चली गई दीदी, और मुझे ऐसा लग रहा ना उसको भरोसा नहीं होगा पहली बात तो। तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा, वेट करते हैं और अभी मिलते हैं शाम को ब्लॉग आगे आगे। अब जानने के लिए कि आगे मैं कहाँ जा रही हूँ बने रहना, बैग थोड़ा भारी हो रहा है इसलिए आवाज़ भी रुक रुक के निकल रही है। अच्छे से देख लो इसको। तो अभी बस हम फाइनली पहुँच गए हैं स्टॉप पे, ये स्टॉप है और अभी मैं कार में बैठ के आपको बात करती हूँ फिर आगे के ब्लॉग के बारे में फिर बताऊँगी। ओके गाइस बाय बाय बाय, हाँ।
बस इतने के लिए आई थी। हाँ अब मैं चली जाऊंगी। ओके गाइस बने रहना इसके ब्लॉग में। बाय मानसी। बाय बाय। ए गए लोग। आगे मैं पहुंच चुकी हूँ। मैंने बताया कि उनको आगे जाके फाइनली मेरा सरप्राइज यही था कि मैं पापा के पास आ रही थी आज। और सडन प्लान बना ऐसा कि मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मैं चंपावत आऊँगी। मेरे पापा यहाँ पोस्टेड है चंपावत में, तो यहाँ आके भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है, हवा चल रही है काफ़ी तेज। और बस मंकू के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था। उसने इतनी बार फ़ोन किया मुझे और वीडियो कॉल कर करके चेक कर रहा था कि मैं सच में, वो मुझसे बोल रहा कि कहीं तो छुपी है, मुझे बता कहाँ है। तो फिर फाइनली उसको मतलब बिलीव हो चुका था कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन रूम पर यहाँ पहुँचते ही पापा ने उसको वीडियो कॉल करके बताया कि दीदी हाँ आई है, तो फिर तब मुस्कुरा रहा था। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी क्या बोलूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस बाय बाय।